महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम एकनाथ शिंदे का इम्तिहान आज, फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी नई सरकार। आज होगा भगवंत मान कैबिनेट का विस्तार, कई विधायक आज ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। योगी सरकार 2.0 आज पेश करेगी अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। ज्ञानवापी परिसर के मामले की सुनवाई आज दोपहर 2 बजे से जिला जज की अदालत में होगी सुनवाई। पांचवें टेस्ट में भारत की बढ़त 250 के पार, पुजारी ने जड़ा 33वां अर्धशतक, कोहली का फ्लॉप शो जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 100 दिन के कार्य पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर को लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस 100 दिनों में सरकार की ओर से लिए महत्वपूर्ण फैसले और तय की गई कार्य योजनाओं पर उपलब्धि के बारे में जनता को बताने की तैयारी की जा रही है। दरअसल योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का लक्ष्य पहले ही तय कर रखा था। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के मामले में आज सुनवाई होगी। बता दें कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद मामले की सुनवाई होगी और दोपहर 2 बजे से जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। मामले में आज मुस्लिम पक्ष अपने दलील रखेगा, मुस्लिम पक्ष बचे हुए 23 बिंदुओं का पक्ष रखेगा। वीडियो लीक मामले में भी मुद्दा उठाया जा सकता है। इसके अलावा सील बंद सर्वे रिपोर्ट वीडियो सीडी को लेकर हिंदू पक्ष भी पहुंचेगा। गाजियाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बैठक की है जिसमें किसानों के बहुत से दल शामिल भी हुए। बैठक लगभग 5 घंटे चली जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने यह फैसला लिया है कि MSP पर कानून न बनने और अग्निपथ योजना के विरोध और लखीमपुर खीरी को लेकर एक बार फिर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ अग्निपथ योजना के विरोध में 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक विरोध प्रदर्शन होगा। इसमें किसान संगठनों के साथ साथ पूर्व सैनिक भी शामिल होंगे। धन्यवाद। जो प्रोग्राम है आगे के भी प्रोग्राम दिए हैं और दूसरा यह है कि अच्छा प्रोग्राम दिया गया क्योंकि 7-8 महीने के बाद में SKM की मीटिंग हुई और जो हमारे साथी बाहर थे आज सर्वसम्मति से उनको सबको अंदर SKM का हिस्सा उनको माना गया है क्योंकि वे शुरू से ही आंदोलन में रहे और इलेक्शन से अलग भी हुए थे। तो एक बड़ा मूवमेंट बन रहा है और बरसात के बाद भी लगता है कि और बड़ा आंदोलन की एक रूपरेखा बनेगी। मीटिंग हुई है गाजियाबाद में, जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण इशू ये है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर कंट्रोवर्सी है थोड़े चिर में इलेक्शन को लेकर थी, वो आज तक लगभग उसके ऊपर चर्चा हुई है, उसको बहुत तरीके से हमने सेटल कर लिया है। समय समय पे जब भी जो है वो होता है उसका इकट्ठे होते रहे। उससे पहला करनाल में 24 तारीख की अग्निपथ को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर गया है, उसके बाद में ये आज मीटिंग यहाँ और आगे की आंदोलन की क्या रणनीति रहेगी। सरकारों ने जो वादा खिलाफी करी किसानों के साथ, भाई MSP की बात हुई थी कि MSP पे कमेटी बनेगी, उसकी कोई बात नहीं, जो मुकदमे दर्ज थे उसकी कोई बात नहीं। और भी बहुत इशू, हर स्टेट के अलग अलग इशू हैं, संयुक्त मोर्चे में हर स्टेट के लोग उसमें शामिल हैं, हर किसान संगठन इसमें लगभग 550 किसान संगठन, तो जो भी रणनीति आज तय होगी उसे जो है किसान मानने का उसको। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जैन मेडिकल कॉलेज में दलालों की दबंगई का मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज में दलालों के प्रवेश वर्जित होने के बावजूद भी जबरन घुसने को लेकर सिक्योरिटी गार्ड ने विरोध किया तो कहा सुनी के दौरान दलालों ने फायरिंग कर दी। वहीं फायरिंग के चलते ही गेट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस घटना में सिक्योरिटी गार्ड बाल बाल बच गया है। फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड की टीम ने मिलकर एक आरोपी युवक को तमंचे के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये सिक्योरिटी गार्ड था हमारा मोहम्मद नईम, वो अपने गेट पे ड्यूटी पे था मेडिकल में, तो वहाँ जो 3 तिरंगा टाइप के आदमी जो बाद में बताया गया कि दलाली भी करते हैं दवाओं की,
वो ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब उसने उसने रोका, रोकने का प्रयास किया, उस पर 3 फायर किए, उन्होंने ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश। इन द मीड टाइम और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो आ गए और उनको पकड़ के यहाँ पुलिस आने लगे। सर कितने लोग थे, किसके पास कोई फायरिंग वायरिंग हुई? हाँ, 3 फायर बता रहे हैं जैसे हुए, 4 हुए और लेकिन वो 3 लोग थे। बड़ी बहादुरी का सबूत दिया। अरे हाँ, जो हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया और बड़ी वो खुद उनसे मतलब हाल टू हैंड सफरिंग करता रहा और जब तक उनको उसको भागने की जितनी भी कोशिश की उसको सारी कोशिश को नकारते हुए पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। ड्यूटी से आ रहा हूँ तो ये लड़का यहाँ मारपीट कर रहे हैं, इनके साथ में सब लोग, कम से कम 6-7 लोग, 6-7 लोगों पे सब पे हथियार थे, सब पे मतलब तमंचे थे। डायरेक्ट सबन ने तमंचे से गोली चलाई है, सबन ने 5 फेर करे, 5 फेर मारे, एक का तमन तुरंत मैंने जैसे फेर करवाया तो तुरंत मैंने हाथ पकड़ लिया, पर तमंचा पकड़ के लिए पुलिस को दिया मैंने बोला मैं तमंचा बरामद करके भी दिया है डायरेक्ट पुलिस ने भी। कौन लोग थे वो जो लोग? दलाल थे, दुकान वोटे दलाल। कहाँ के दुकान? घटना किस जगह हुई थी? घटना किस जगह हुई थी? मुरादाबाद में वर्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज के कार्यकर्ताओं ने कन्हैयालाल हत्याकांड का विरोध जताते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है और कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोई भी हिंसा करने का संदेश नहीं देगा। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी उदयपुर में हुआ वह बहुत ही गलत हुआ। खबर अलीगढ़ से, जहाँ पर महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के सुखवा वाली गाँव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू को 2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि फर्जी बैनामा और अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति थी। इससे पहले भी गुड्डू की पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। बुलंदशहर के खुर्जा में 2 दर्जन से अधिक तर्ज मुकदमों के अपराधी कासिम के घर पर पुलिस ढोल नगाड़े लेकर पहुंच गई और गैंगस्टर एक्ट में जिलाधिकारी द्वारा 1 करोड़ की संपत्ति को कुर करने की नोटिस को पूरे मोहल्ले के सामने चश्मा कर दिया। ये कासिम पुत्र यासीन के विरुद्ध 25 मुकदमे दर्ज हैं, उसी में गैंगस्टर में 14(1) की कार्रवाई के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनकी जो 1 करोड़ की संपत्ति है उसको कुर्क करने का जो नोटिस है वो इनको आज। उन्नाव में स्वर्ण व्यवसायी के लाखों की लूट का मामला सामने आया है। माकी थाना क्षेत्र के परिसर मार्ग पर बाइक सवार लुटेरों ने स्वर्ण व्यवसायी के करीब 10 लाख के जेवरात लूट लिए। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने जल्द ही घटना के खुलासे की बात कही। CO सफीपुर अंजनि राय मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर मौका मुआयना किया और पीड़ितों से पूछताछ की। CO का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। संजय वर्मा नाम के एक व्यापारी द्वारा थाना माखी में आकर के सूचना दी गई कि जब वो कानपुर से ज्वेलरी का कुछ सामान सप्लाई करने के लिए चकलवंशी ला रहे थे, उस समय पावा के पास 2 युवकों द्वारा पीछे से इनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार करके गिरा दिया गया और जो थैला ले इनके पास था लेकर के भाग गए। उस थैले में सोने के कुछ आभूषण थे, इसकी लिस्ट अभी तक नहीं दे पाए हैं। अभी तक की जांच में घटना प्रमाणित नहीं हो पा रही है। इनकी कानपुर में जो सोने की दुकान नहीं है बल्कि एक वर्मा जनरल स्टोर है। ये किससे सामान खरीदते थे ज्वेलरी का और किसको बेचते थे इसकी। लखीमपुर खीरी में शातिर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 6 शातिर अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और करीब 9,62,00,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। सभी शातिर अभियुक्तों की चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया। शातिरों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुए हैं। इस पूरे मामले में SDM ने इसकी जानकारी दी। बराइची गाँव में तहसील मोमती के अंतर्गत थाना पसकवा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बराइच सिसोरा नासिर और बराइची अंतर्गत कुछ व्यक्तियों का गिरोह है जो एक गैंग बना करके आपराधिक कार्यों में और उसके साथ ही आपराधिक कार्यों के साथ साथ दूसरे लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करना और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने का कार्य करता था, जिनके खिलाफ जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में गिरोहबंद अधिनियम के तहत इनके तहत कार्रवाई की जा रही है। इसमें लगभग 9,61,00,000 की प्रॉपर्टी इनकी कुर की गई है और साथ ही जो सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था उन कब्जों को हटवाए भी गए हैं।
आज 6 मकानों पर कार्रवाई की गई है। हमारे साथ तहसीलदार साहब हैं और तहसीलदार साहब पूरी फोर्स हमारी जो है 5 थानों की फोर्स यहाँ पर है। इंस्पेक्टर पसकुमा हैं, गोला इंस्पेक्टर साहब हैं, गोला इंस्पेक्टर गोला साहब की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। इंस्पेक्टर पसकुमा साहब हैं, मोहम्मदी साहब हैं, हैदराबाद की पूरी फोर्स और PSC। खबर अमेठी से, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरी और प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश मसाला ने आगे बढ़कर अमेठी कस्बे में प्राथमिक विद्यालय देवपाटन को गोद ले लिया। जानकारी के मुताबिक स्कूल का कायाकल्प करने की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। आपको बता दें कि पुरानी इमारत को गिराकर नई 2 मंजिला इमारत बनाई जाएगी। देखिए, दीदी स्मृति रानी और योगी आदित्यनाथ के प्रेरणा से प्राइमरी पाठशाला देवीपाटन गोद लिया गया और 125 करोड़ की लागत से आधुनिक साज सज्जा से ये लैस विद्यालय बनाया जा रहा है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये विद्यालय का जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ 90% गरीब, शोषित, वंचित, दलित उन्हीं की आबादी है। उनके बच्चे 5-स्टार कल्चर की शिक्षा ग्रहण करें, यही मेरी परिकल्पना है। देखिए, लखीमपुर खीरे में विलुप्त प्रजाति के कछुए सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपी मोबाइल लूट की घटना को भी अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी। अभी तक आप देख रहे थे